मिर्जापुर में उपचुनाव सरकार के पक्ष में होता है, जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है। पक्ष जीतेगा तो विकास होगा, विपक्ष जीतेगा तो क्या होगा, जनता जानती है। इसलिए भाजपा को वोट दो, सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों के बीच कहा। मिर्जापुर के मंजवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित दलित पिछड़ा महासम्मेलन में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ब्रह्मा का वाक्य है, संघे शक्ति कलयुगे कहा गया है ना, वही बात हमारे सीएम कह रहे हैं। यह सत्ता पक्ष का चुनाव है। सब जानते हैं कि आम इलेक्शन और बाई इलेक्शन में अंतर होता है। उपचुनाव में सत्ता पक्ष ही जीत हासिल करती है। कहा कि एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा। सपा बसपा और कांग्रेस ने सबको बांट कर रखा है। सपा के समय में 815 दंगे हुए, 1300 जनहानि हुई, बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 जनहानि हुई। कांग्रेस ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मझुआ विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ी पटरी स्थित राम सिंह गहरवार महाविद्यालय में दलित पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 9 सीटों पर भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, सभी पर जीत होगी। जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो वह काम के नाम पर रोना ही रोएंगे। कहा कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें। राजभर ने कहा कि जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को जिताएंगे तभी विकास की योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकते हैं। विरोधी भी जानते हैं कि ज्यादा उपचुनाव में ज्यादा सीट सत्ता पक्ष वाले ही जीतते हैं। उन्होंने बटोगे तो कटोगे पर कहा कि ये तो ब्रह्मा ने कहा है, वही बात सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। संघे शक्ति कलयुगे कहा गया है कि नहीं, यही बात हमारे सीएम कह रहे हैं। एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बटोगे तो सपा ने बांट कर रखा था। दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई, बसपा के कार्यकाल में भी दंगा हुआ, कांग्रेस ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। संवाददाता महेंद्र पांडे की। विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर आप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लगे हैं और देखिए जनता भी जानती है कि विपक्ष को जिताएंगे तो चिल्लाना रोएगा रोना कि हमारी सरकार नहीं है तो हम का विकास करी। तो जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को हम जिताएंगे तभी हमारा विकास की जो योजनाएं हैं हमारे तक पहुंच सकती हैं, ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है और विरोधी पार्टी वाले भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष वाले जीतते हैं। चुनाव की तारीख बदलने पे अखिलेश यादव ने भी कहा है, एक बयान खड़ा किया है कि तारीख आगे बढ़ना कहीं कहीं। अच्छा, उनको तकलीफ है, 24 में तारीख नहीं ने बदली, 19 में तारीख नहीं ने बदली, 14 में तारीख नहीं बदली, 22 में भी तारीख नहीं बदली, का हसर हुआ? वही हसर तारीख बदलने में भी होगा, देख लीजिए। 22 से 24 में अंतर कम है, जो बीजेपी का अंतर है वो तो होगा, 1700 वोट से बीजेपी लीड की थी मझुआ विधानसभा में। देखिए, बाई इलेक्शन और आम इलेक्शन, आप लोग खुद समझदार हैं, ये चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आम चुनाव होता तो हम आपकी बात से सहमत थे, लेकिन ये बाई इलेक्शन है। बटोगे कटोगे ये संदेश क्या आप दे रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, कभी नारा है सिंधु समाज पार्टी का, नहीं देखिए नारा ये ब्रह्मा जी ने लगाया है, हम लोग नहीं लगाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे कहा है ना, तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बटोगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बांट के रखा, आपने देखा कि 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई, बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई, कांग्रेस की सरकार में दोनों का रिकॉर्ड टूट गया। तो यही बात तो कह रहे हैं योगी जी, ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात थोड़ा कह रहे हैं। नहीं बट कौन रहा, एक चीज ये जानना है कि कौन बट रहा था, कौन कट रहा था और कौन बट रहा था? अब बता तो दिया कौन, कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 7.5 साल हो गया, आप भी देख रहे हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, लोग कटते मरते थे आपस में लड़के, वो इसमें एकदम विराम लगा हुआ है। इस बात को वो कह रहे हैं कि आप लोग इधर उधर मत झांकिए, विरोधी पार्टी की तरफ मत देखिए, एकदम सटे रहिए। संजय निषाद जी ने कहा है कि जो कुंभ में मेला लगता था वहाँ पर जो संत कह रहे हैं कि मुसलमानों को वहाँ पर दुकानें ना लगाने दिया जाए, वो गलत कह रहे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, वो साधु संतों का विचार है, ये सरकार का मत नहीं है, सरकार का मत है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद।